नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हम करने वाले हैं आपकी यूनिट 4 डिस्कस, जो कि आपकी रहेगी टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी की, यानी कि शिक्षक शिक्षण एवं तकनीक की आपकी ये यूनिट 4 रहेगी, जो कि बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर होता है। जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, वो आपके एग्ज़ाम में आपको 100% आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आ जाए। कोई भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, उनको लर्न करके आप अपनी अच्छी मेरिट बना सकते हैं, क्योंकि वही एग्ज़ाम आपके मतलब वही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में 100% आपके आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपका रहेगा वो लॉन्ग में आएगा तो ऐसे आएगा, शॉर्ट में आएगा तो आपका ऐसे आएगा। तो चलिए बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। अगर आएगा तो ये है कि शिक्षण एवं अनुदेशन तकनीकियाँ शिक्षण के लिए कितनी महत्वपूर्ण है समझाइए, तो ये आपका शॉर्ट में आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा तो कैसे आएगा, वो आएगा ऐसे, डिफाइन अ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ब्रीफली डिस्क्राइब टीचिंग टेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटल टेक्नोलॉजी, हाउ दिस टेक्नोलॉजी यूज फॉर अ टीचर। तो ये आपका लॉन्ग में आपका मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है क्वेश्चन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो आपका शॉर्ट में रहेगा, शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया के प्रबंधन में कितने सोपान सम्मिलित हैं। तो आपको स्टेप्स बताने हैं शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया के, कितने स्टेप्स होते हैं, ठीक है। इसके नियोजन और संगठन सोपानों की विस्तार से चर्चा कीजिए। तो ये आपका शॉर्ट में आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। इंग्लिश में बात की जाए तो कंट्रोलिंग स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो ये आपका शॉर्ट में आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो मैंने बताया अभी पीछे हिंदी में, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बीएस ब्लूम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका यूनिट 4 में। बीएस ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के वर्गों को लिखिए, ये आपका शॉर्ट में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बीएस ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्षों के वर्गों को लिखिए, तो राइट द कैटेगरीज ऑफ बीएस ब्लूम्स कॉग्निटिव डोमेन। तो ये आपका शॉर्ट में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहेगा आपका, छात्रों में अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न करने हेतु उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न अभिप्रेरणा की प्रविधियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये आपका शॉर्ट में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहता है। गिव द शॉर्ट सम मोटिवेशनल टेक्निक्स विच आर यूजफुल टू इन्हेंस ऑन इंटरेस्ट इन लर्निंग। तो ये आपका शॉर्ट में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा और लर्न जरूर करने हैं जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन काफ़ी कम है, ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी कम है लेकिन बहुत ज़्यादा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 100% आपके एग्जाम में मिलेंगे जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपका शॉर्ट में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहेगा, निबंधात्मक परीक्षा के दोष बताइए। तो निबंधात्मक परीक्षा के आपको दोष बताने हैं, यानी कि डिमेरिट्स बताने हैं आपको सब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन के, ठीक है। डिस्कस अबाउट डिमेरिट्स ऑफ सब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन। तो ये आपका शॉर्ट में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। तो यही थे आपके यूनिट 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल आपकी कोई भी वीडियो नहीं आई थी, वो इसलिए नहीं आई थी क्योंकि कल मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था, ठीक है। कल मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था तो इसलिए आपकी कोई भी वीडियो आपकी नहीं आ पाई थी, लेकिन आज हम फटाफट से इस मॉडल को कंप्लीट कर लेंगे। 4 यूनिट कंप्लीट कर ली है, इसके बाद आपकी अभी थोड़ी देर में आपकी यूनिट 5 की वीडियो आएगी और फिर यूनिट 6 और 7 की एक साथ मैंने वीडियो फटाफट से मैं डाल दूंगा आपको। तो ये आपकी वीडियो फटाफट से इस मॉडल की TTT यानी कि टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी की फटाफट से मॉडल आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम आपका स्टार्ट कर देंगे ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, है ना। ग्रोइंग अप एज अ लर्नर की वीडियो कल से आनी स्टार्ट हो जाएगी, वो भी आपका फिर 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा आपका फटाफट से ये नेक्स्ट दो दिन में आपका कंप्लीट होने वाला है। तो टेंशन नहीं लेना है, पढ़ते रहना है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। कोई भी वीडियो आपको नहीं छोड़नी है, जो भी अगर पुरानी वीडियो अभी आपने नहीं देखी है तो उनको फटाफट से जाकर देखिएगा। सारे जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जिनको पढ़कर याद करके आप अपनी अच्छी मेरिट बना सकते हैं। क्वेश्चंस काफ़ी कम है फिर से कह रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चैनल से बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, स्टडी हार्ड। थैंक यू, नमस्ते, टाटा, धन्यवाद।